शांति। आज की मुरली में बाबा ने स्नेह यानी प्रेम की जो शक्ति है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये शक्ति प्रयोग में आती है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। योग की बात जब आती है तो स्नेह का क्या रोल है, धारणा में इसका क्या महत्व है और सेवा में स्नेह कैसे कार्य करता है, तो अलग अलग सिचुएशंस में स्नेह का क्या क्या रोल है वो आज हम देखेंगे। इसके अलावा बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, आप ब्राह्मण आत्मा है और आपका फाउंडेशन है स्नेह। तो सर्वश्रेष्ठ रचना कैसे है, पूरे ही कल्प में, चाहे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में, चारों ही युगों में कैसे एक्सेलेंस या वो श्रेष्ठता बनी रहती है, बाबा ने उसे आज की शुरुआत भी की है। तो बाबा ने कहा कि आप आत्माएं सर्वश्रेष्ठ हो और अति प्रिय हो। इन बातों पर अगर हम गहराई से विचार करें, सर्वश्रेष्ठ हैं। कैसे सर्वश्रेष्ठ हैं, क्यों हैं और अति प्रिय हैं? तो परमात्मा के भी अति प्रिय हैं और किसकी अति प्रिय है? फिर बाबा ने कहा कि अपने राज्य में अर्थात सतयुग में और त्रेता युग में सर्व के प्रिय होंगे, यानी प्रजा के भी प्रिय होंगे। श्रेष्ठ राजा होगा तो वो सर्व का प्रिय होगा, और फिर द्वापर में और कलयुग में जब आएंगे तो भक्त आत्माओं के प्रिय देवात्माएं होंगे। तो परमात्मा के प्रिय हैं संगम पे, सतयुग और त्रेता युग में है प्रजा के प्रिय राज्य में, और द्वापर और कलयुग में है भक्तों के प्रिय, यानी कि पूरे ही कल्प में सभी के प्रिय और श्रेष्ठ आत्माएं रहे हैं। बाबा ने कहा कि कलयुग के अंत में तो भक्त क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती भी करते हैं। तो आज की मुरली का ये पहला पॉइंट है, जिसे कि हम कहते हैं बाबा का स्वमान जागृत करने का पॉइंट। तो ये सारी बात आज पूरे दिन अपनी बुद्धि में रखेंगे कि कैसे हम आत्माएं पूरे कल्प भर में श्रेष्ठ भी हैं और सभी के प्रिय भी हैं। अभी भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या इस समय संगम पे हम आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्या हम सभी के प्रिय हैं। तो जितना जितना अभी श्रेष्ठ और प्रिय बनते हैं, उसी के आधार से पूरे कल्प भर ऐसे चलता है। फिर बाबा ने कहा कि स्नेह का क्या रोल है, और ज्ञान के साथ साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति कराना है। अगर सीधा सीधा सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं और उसमें स्नेह नहीं है तो वो सेवा सफल नहीं होती है, क्योंकि आत्मा का गुण सिर्फ ज्ञान नहीं है। आत्मा को सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, उसे स्नेह भी चाहिए। फिर बाबा ने एक और बात बताई कि अगर स्नेह है तो ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है, और अगर स्नेह नहीं है तो क्या क्यों के विस्तार में चले जाते हैं। तो आपने भी महसूस किया होगा, स्नेह अगर है, चाहे परमात्मा ज्ञान को समझने में, चाहे दो लोगों के बीच समझने में, तो सारी बातें सहज हो जाती हैं। फिर बाबा ने अमेरिका वालों से मीटिंग करते समय कहा कि अमेरिका की एक विशेषता है, अमेरिका के पास विनाश की शक्ति भी है और सभी को मिलाने की शक्ति का भी जो केंद्र है यूनाइटेड नेशंस, वो भी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर। तो अमेरिका में डबल शक्ति है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि भले ही यूएन वाले सभी को मिलाने की कोशिश करते हैं, युद्धों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जो ये कार्य है, सभी धर्मों की आत्माएं मिल जाएं और पूरे विश्व में शांति हो जाए, ये हम ब्राह्मणों का ही वास्तविक कार्य है। तो बाबा ने आज हमें हमारे कर्तव्य की भी याद दिलाई है। इसके अलावा जैसा कि बाबा ने बताया कि दो कर्तव्य हैं, विनाश का और स्थापना का।
तो जैसे साइंस इसमें हेल्प करती है दोनों में, वैसे ही साइलेंस की शक्ति का भी महत्व है। साइंस अपना काम कर रही है और साइलेंस की शक्ति का कार्य हमें करना है, तो दोनों का ही झंडा ले रहे। फिर बाबा ने कहा कि बाप की एक आश है और वो अब बच्चों की भी आश है कि सारी दुनिया में हम सभी को अनाथ से सनाथ बना दें। तो इस ये सेवा के पॉइंट पे भी ध्यान देना है। बाबा ने अगेन फिर कहा कि अगर एक मिनट भी किसी को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हैं तो वो अनुभव उनको बार बार खींचता रहेगा, वो उस अनुभव को छोड़ नहीं सकते। तो दिन भर में बीच बीच में हमें भी ऐसे साइलेंस का अनुभव करना है और कराना है। फिर बाबा ने कहा कि स्नेह सेफ्टी का साधन भी है। ये काफी डीप पॉइंट है। स्नेह कैसे सेफ्टी का साधन है? फिर बाबा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति से कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकते हो, जैसा कि साइंस की शक्ति से आजकल रेत में भी हरियाली लाने का या फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जैसे साइंस में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसे ही साइलेंस में भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। फिर बाबा ने माताओं के लिए कहा, बाबा माताओं के लिए सहज बात बताते हैं, ईजी करके बताते हैं। बाबा ने कहा कि बाबा शब्द जो है सर्व खजानों की चाबी है। कुछ याद ना भी रहे तो बाबा ही याद रहे, तो सिर्फ एक खजाना नहीं बल्कि सारे ही खजानों की चाबी है। तो इसके अलावा और भी काफ़ी बाबा ने गहरी बातें बताई हैं आज। बाबा की हर मुरली में ही इशारे होते हैं, राज होते हैं, युक्तियां होती हैं, उन सबको हमें समझना होता है। तो आज की मुरली को हम शुरू करेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। तो ये स्वमान सारे दिन में बार बार में याद रख रहे हैं। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा के प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। और द्वापर में भक्तों के प्रिय देवात्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सत्युक्त रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। कितना सिंपल, कितना क्लियर और कितना महान चित्र बाबा ने हमें बताया। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण तो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। ये जो बात है ये हमें हमेशा याद रहनी चाहिए। जो कुछ भी पूरे 5000 ईयर्स में होता है उसका आधार अभी है। देख रहे हो इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते हैं। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। तो विदेशी हैं तो उनको इस बात के संग कनेक्ट करना हो सकता है थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता हो। बाबा ने फिर बता रहे हैं इसका लॉजिक क्यों है ऐसा। क्योंकि भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं, प्राचीन से प्राचीन मंदिर, बड़े से बड़े मंदिर और वैरायटी मंदिर भारत में ही हैं। यह नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे,
कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। तो ये सेवा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक बाबा ने आज हमें बताया। ज्ञान की कई बातें कई बार थोड़ी सी ऐसी भी हो सकती हैं जो उस आत्मा के विचारधारा के बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट भी हो, लेकिन स्नेह तो किसी के विचारधारा के अगेंस्ट हो नहीं सकता। इसलिए स्नेह का अनुभूति, स्नेह का बैकग्राउंड हमेशा होना ही चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं कि आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? ये कितनी गहरी बात है। हम सब बाबा के बने तो क्यों बने? जरूरी नहीं है सिर्फ ज्ञान की वजह से बने। बाप का स्नेह मिला, परिवार का स्नेह मिला, दिल का स्नेह था, ये निस्वार्थ स्नेह था। तो ये चारों बातें कभी नहीं भूलनी। तो जिस कारण से हम बाबा के बने उसी कारण से, उसी बात को यूज करते हुए हमें औरों को भी बाबा के करीब लाना है। तो इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। और क्या है फायदा इससे? जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। जो स्नेह में नहीं आता तो वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता है, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, इसमें ज्यादा चली जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो स्नेह हमारा एफिशिएंसी का भी टूल है और टाइम मैनेजमेंट का भी टूल है। स्नेह है तो समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगी। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे तो ये सब बातें हमें बहुत ध्यान से समझनी है। जब स्नेह में लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेह ही लगता, क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का अप्रोच चेंज हो जाता है। तो इस बात के भी अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उसको वही प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। और क्या है स्नेह के फायदे? स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी मुश्किल बात कोई लगेगी नहीं। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद बाप की है हमें करना ही है। देखेंगे करेंगे यह स्नेह के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है, यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। तो ये स्नेह का आउटकम है। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती हैं। छोटे दिल वाले छोटी छोटी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात छोटी हो जाएगी। बाबा फिर अमेरिका वाले ग्रुप से मिल रहे हैं। बाबा ने अमेरिका का नया एक मीनिंग बताया। अमेरिका वाले को बाप कहते हैं आ अमेरिका, यानी आ मेरे। तो अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे, यह विशेषता है ना। तो वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। तो बाबा याद दिला रहे हैं जो कल्प वृक्ष का चित्र है उसमें बहुत पहले, आज से बहुत बहुत टाइम पहले ही अमेरिका को उसमें दिखाया गया था। तो जब से स्थापना हुई है तो बाप अमेरिका को बाप ने याद किया है।
तो जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? अमेरिका की विशेषता यह भी है कि एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने का प्रयत्न करते हैं तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वहां लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य, यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे ले रहे हैं, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव, दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा ले रहा। बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, जैसे कोई वीआईपी या एमआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए झंडा लगा देते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा ले रहा है, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें। बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। तो यह गोल्डन जुबिली का वर्ष है तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना, तो यह गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबिली मनाना। फिर बाबा ने कहा कि बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं, सभी एक दूसरे सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है, ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं यह होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुँचा देती है। डबल उड़ान से पहुंचे होना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान। तो हिम्मत उमंग उत्साह के जब पंख लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बाबा सभी बच्चों की हिम्मत उमंग उत्साह को देख के उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। माना कि कैसे भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कितनी भी कलराठी जमीन हो, मतलब मुश्किल से ही वह फल निकलने वाला हो, तो भी इस स्नेह के पानी से वहाँ भी फल निकल सकते हैं। तो जिस धरती को इस स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं, जैसे स्वर्ग में भी बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। फिर बाबा इसको सेवा के संग कनेक्ट कर रहे हैं। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल मिलते हैं। तो जहाँ स्नेह है अर्थात वायुमंडल अर्थात धरणी श्रेष्ठ है, तो वैसे भी कोई जब डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं।
अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती। इसीलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। तो अपने अपने स्थान पर सभी अच्छी उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक ही आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें, यह आश हम पूर्ण करें। तो फिर बाबा सेवा के लिए और डायरेक्शन दे रहे हैं कि कम से कम, क्योंकि जो प्रोग्राम बनाया था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, तो उसके थ्रू क्या होगा कि कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से एक मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह एक मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए। शांति तो चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। एक तो विधि नहीं आती, दूसरा संग नहीं मिलता है। तो उनकी ये प्रॉब्लम हमें दूर करनी है, विधि भी बतानी है और थोड़ा समय का साथ भी देना है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। फिर बाबा ने एक और राज बताया कि कोई भी जब वीआईपी को सेवा में हम लेकर आते हैं तो क्या फायदा होता है उनका भी। तो जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं, तो उनके संपर्क में आने से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, और एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी जो ये वीआईपी हैं, इसमें अधिकतर लोग समीप संपर्क में नहीं आएंगे, लेकिन उनको क्या इसका फायदा मिलता है, रिटर्न क्या मिलता है, अपने धर्म में अपने पार्ट में उनको विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। तो ये भी हमें हमेशा माइंड में रखना है। ऐसा माइंड में इसलिए रखना जरूरी है ताकि हम सबको एक ही तरह से ट्रीट ना करें। हमें सबका रोल समझना जरूरी है कि किस आत्मा का कितना कितना रोल है। तो ये रोल मिलना भी बड़ी बात है। तो विशेष आत्माएं हैं, उनका ये विशेष रोल है। बाकी बाप को पसंद साधारण ही हैं, क्योंकि समय भी वह दे सकते हैं। बाकी जो वीआईपीज हैं, उनको तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सभी को कुछ ना कुछ मिलता ही है। फिर बाबा ने पार्टीज के संग मुलाकात में कहा, जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। और स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। तो स्नेह सेफ्टी का साधन भी है। बाबा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात सुनाई है, एक शब्द याद करो, मेरा बाबा, बस मेरा बाबा कहा और सर्व खजाने मिल गए। यह बाबा शब्द ही चाबी है सर्व खजानों की। और माताओं को चाबियां संभालना तो आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है, एक खजाने की चाबी नहीं है, सर्व खजानों की चाबी है। तो इससे भविष्य में भी मालिक और अभी भी मालिक। आज का वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर वन भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वह कभी कैसे वह ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। जन्मते ही का मतलब है जब से बाबा के बने, जैसे ही वो ज्ञान में आए। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर वन भाग्य की रेखा।
और आज का स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना मना, प्रसन्न चित्त रहना। तो आज की मुरली में काफ़ी गहरे पॉइंट्स हैं। पूरे कल्प में श्रेष्ठ आत्माएं हम हैं, तो स्वदर्शन के लिए भी अभ्यास आज में मिल गया। दूसरा, बाबा ने बताया कि स्नेह की शक्ति से क्या क्या कर सकते हो, सारे प्रश्नों को समाप्त कर सकते हो, आत्माओं को समीप ला सकते हो, सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो और साइलेंस की शक्ति के भी भिन्न भिन्न प्रयोग कर सकते हो। आत्माओं को साइलेंस की भी आवश्यकता है, स्नेह की भी आवश्यकता है। तो आज की मुरली को याद रखने के लिए सिंपल ट्रिपल एस हम याद रखेंगे, श्रेष्ठता, स्नेह और साइलेंस। इन तीन बातों में ही आज हम गहराई में अनुभूति में जाते रहेंगे और मुख्य मुख्य बातों को ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवाओं में प्रयोग में लाएंगे। तो अभी नेक्स्ट 1 मिनट में पूरे कल्प भर में कैसे हम आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं और स्नेह की कारोबार कैसे चलती है, उसकी अनुभूति करेंगे। साइलेंस। ओम शांति।